हमारी जिंदगी में एडवेंचर के साथ कैसा नाता है ना कि हर वक्त बना रहता है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे खराब रोड हो चाहे अच्छे रोड हो, चाहे बारिश हो या फिर स्नोफॉल हो। तो एडवेंचर तो हमारी लाइफ में ना ऐसे जुड़ गया है जैसे चुंबक किसी लोहे से। लेकिन 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 अगर आपका एडवेंचर करना है, जो आपका ट्रेवल पार्टनर है, यू नो आपका व्हीकल, चाहे साइकिल है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे स्कूटर है या फिर गाड़ी है, कैंपर वैन है, कुछ भी हो, अगर वो सही सलामत है, अगर उसके अंजर पंजर सही जगह टिके हुए है, तो आपकी जर्नी में जो एडवेंचर है ना वो और मजेदार बन जाता है। तो आप लोगों को तो पता है कि पहले हमारे पास हिमालयन थी, जब भी हम लोग ट्रिप करके आते थे तो आने के बाद उसका रूटीन चेकअप कराते थे ताकि उसके अंदर कोई भी कमी हो, हम लोगों के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आए अगले ट्रिप पे, तो हम लोग उसे ठीक करा ले और अगले ट्रिप पे कोई कमी ना आए। सेम एज इट इज वही किया मैंने, वापस आने के बाद इसका रूटीन चेकअप कराया, जो भी इसके अंदर कमियां थी, छोटे मोटे जो भी नट स्क्रू वगैरह खुल गए थे या फिर इसका एयर फिल्टर था, बाकी जितनी छोटी छोटी चीजें थी वो सारी चेक करा दी ताकि अगला ट्रिप में हम लोग आराम से कर सके, हमें कोई भी कमी ना हो। और साथ में मैंने लगवा दी है यहाँ पर ये बड़ी वाली विंडशील्ड, शोरूम पे बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हुई थी तो अपन ने मौके पे चौका मार दिया। थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी है लेकिन अब इसके और लुक एनहेंस हो गई है। ये देखो आप, यहाँ से पहले वाली विंडशील्ड बस यहीं तक थी, अब वो इतनी एक्सटेंड हो गया, विंड ब्लास्ट हमें कम लगेंगे। लेकिन अगर हमें आगे अगला कोई भी एडवेंचर बाइक से शुरू करना है तो इसके अंदर 3-4 काम कराने बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इसके अंदर लगवानी है हमें लाइटें, ये मैंने क्लैंप तो लगवा दी थी लेकिन इसके ऊपर लाइटें इंस्टॉल होना रह गई है। दूसरा हमें काम कराना है ये नकल गार्ड का, ये वाला हमें चेंज कराना है। बाकी हमारा ये मिरर, ये थोड़े बड़े मिरर लगवाने हैं, आफ्टर मार्केट में थोड़े बड़े मिलेंगे, वो मैं लगवाऊंगा। फोर्थ काम हमें करवाना है कि ये मोबाइल होल्डर हटवा के यहाँ लगवाना है और यहाँ पे हमें अपना GPS लगवाना है ताकि रोड ट्रिप में और ज्यादा अच्छा ग्लिम्स मिल सके हमारे डैशबोर्ड में। बाकी टॉप बॉक्स की ये 3mm वाली टेप निकल गई है चारों तरफ से, तो ये अच्छे से लगवानी है। और इसके ना डायमेंशन थोड़ी सी बिगड़ गई है, ये पीछे की तरफ हल्का सा टिल्ट हो गया है यहाँ प्लेट की वजह से। यहाँ पे देखो इस तरीके से वार्सल वगैरह लगे हो ना, ये सेटिंग करानी है ताकि ये अच्छे से टिक जाए और लुक एक्यूरेट आ जाए। देखो रोड ट्रिप करना तो बहुत ज्यादा आसान होता है कि आराम से आप कर सकते हो, अपना सामान उठा के जा सकते हो, लेकिन जो आपका मेन साथी है, मेन पार्टनर जो है, अगर वो सही आपके साथ रिस्पांस दे, आपके साथ सही रहे, तो आपका ट्रिप और ज्यादा आसान हो जाता है, नहीं तो ट्रिप की बच जाती है बैड। तो इसीलिए ट्रैवल सीरीज कम बनती है, प्रिपरेशन सीरीज ज्यादा बनती है। तो यही ज्ञान के साथ आज शुरू करते हैं कुछ नए चेंजेस के साथ आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। मेरे घर का ये आसपास का एरिया ना अब तो हाईवे बनता जा रहा है, मिनट मिनट में गाड़ियां निकलती है। जब अपन यहाँ शिफ्ट किए थे ना परिंदा भी पर नहीं मारता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हाईवे बन गया है, अब यहाँ से शिफ्ट होना पड़ता है। लो जी, अच्छा लगता है ना जब कोई भी नया प्रोडक्ट इस तरीके का आता है, खासकर आपके ट्रैवल पार्टनर के लिए। बोले तो ये आया है हमारी कैंपर वैन के लिए। ये ओपन क्यों है? क्योंकि ये प्रोडक्ट आया है चाइना से, कस्टम वालों ने चेक करने के लिए इसे चेक किया होगा, इसीलिए ये ओपन है। लेकिन इसके अंदर जो आया है ना, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए, अनबॉक्सिंग करने के लिए, क्योंकि हमारी कैंपर वैन में होगा इंस्टॉल और इससे होंगे बहुत सारे फायदे, मजा ही आएगा। चलो फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। फाइनली हमारे पास आया है उसी की तरफ से कार DVR GPS सिस्टम, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। वैसे तो हमारी गाड़ी के अंदर ऑलरेडी एक म्यूजिक सिस्टम लगा है जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज है, लेकिन पता है क्या है, 2-3 बार अभी मैंने जब इसुजू लेके गया था नैरो रास्तों पर, तो वहाँ पे राइट कट और लेफ्ट कट काटने में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आ रही थी, तो मुझे एक अलग से सेटअप चाहिए था कि मेरी गाड़ी में ना एक्स्ट्रा कैमरे लग सके, आगे पीछे का तो दिखता ही है, लेफ्ट राइट का भी मुझे दिख सके। तो मुझे भेजा है OC की तरफ से HD कार DVR, जिन्होंने मेरे को बाइक का
कारप्ले सिस्टम भेजा था, उन्होंने मेरे को ये सिस्टम भी भेजा है अपनी कैंपर वैन के लिए, ताकि हम वो सारी फैसिलिटीज अवेल कर सके। गाड़ी का जो ड्राइविंग वाला एरिया है, जो आगे का कैबिन है, उसको हम लोग एक कॉकपिट में कंप्लीट कर सके, स्क्रीन ही स्क्रीन हो, मतलब गाड़ी शुरू करने से पहले इधर उधर टच टच करे। मजाक कर रहा हूँ, इसकी क्या जरूरत है क्या नहीं है, इसको सबसे पहले करते हैं इंस्टॉल, ताकि पता लग सके। अच्छा, बाकी में चीजें बता रहे तो क्या क्या आया है। एक तो आई है इसके साथ में ऑक्स केबल, ताकि इससे आउटपुट लेके हम लोग म्यूजिक सिस्टम जो हमारा मेन है उसमें कनेक्ट कर सके। सेकंड आया है इसका बैटरी के लिए कनेक्शन का सिस्टम, आगे सी टाइप है और ये वही सेम बैटरी में लगेगा और आपका इग्निशन में लगेगा। साथ में भेजा है एक कैमरा, जो हम लोग लेफ्ट राइट कहीं भी लगा सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आपकी गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट इसको लगा लीजिए। कार प्ले सिस्टम भी है, GPS भी है, और आगे पीछे के लिए आपको कैमरा भी मिल जाएगा। साथ में आपको जो अलग से डैश कैम लगता है उसको लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पीछे ऑलरेडी कैमरा दे रखा है। तो ये हम लोग आज इंस्टॉल करेंगे। और साथ में भेजा है एक ये चिपकाने वाला माउंट है, जो सीधा डैशबोर्ड पे लग जाएगा। एक शीशे के ऊपर लगाने वाला माउंट है, ताकि उसके साथ हम कनेक्ट करके लगा सकते हैं। और साथ में भेजा है, अगर आपको बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं करवाना है तो जो सिगरेट लाइटर हो सकता है उससे कनेक्ट करा सकते हैं। ये केबल भी आई है, और क्या केबल आई है, ओके, ये GPS ट्रैकर आया है, जो सीधा इसके अंदर कनेक्ट होकर आपकी गाड़ी में लग जाएगा। बाकी और क्या है, ये एक 3mm टेप आई है अलग से, बाकी लव लेटर, जो हमें हेल्प करेगा इंस्टॉलेशन के लिए। दैट्स इट, सिर्फ यही सामान है, फटाफट लगाते हैं इसको अपनी कैंपर वैन के अंदर। क्या हो रहा है ये राजू भाई? प्योर इंडियन खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। खाना खा के मॉडिफिकेशन करेंगे। पहले पेट की मॉडिफिकेशन हो रही है। पेट की मॉडिफिकेशन तो सही है, सही है, सही है, सही है। नहीं तो काम कैसे भर रहे हैं? पहले खाना खाइए। तो भैया देखो, अपन बाइकर है, और बाइकर के बिना ना, यू नो, बाइकर का सबसे पहला काम क्या होता है, उसके दिमाग में चल रही थी बाइक, कि मेरे बाइक में क्या क्या काम पेंडिंग है। तो जब से मैं आया हूँ ना, तो उसके अंदर 2-3 काम पेंडिंग थे, तो मैंने सोचा यार ये काम करा लेते हैं, वरना दिमाग में बाइक घूमती रहेगी। तो याद आई तो आ गए अपन राजू भाई के पास, लेकिन उन्होंने बोला पहले खाना खाएंगे, उसके बाद करेंगे दूसरा काम। काम तो स्टार्ट कर चुके हैं, झूठ बोल रहे हैं, पहले पेट पूजा, झूठ बोल रहे हैं, काम स्टार्ट इनका हो चुका है, काम नीचे चल रहा है, हम लोग अभी कर रहे हैं पेट पूजा। ओके, तो खाना पीना खा के नीचे आ गए, और नीचे आके देखा तो हमारी लाइट है सीधा सीधा कनेक्ट की जा रही है, जिस हिसाब से भी लाइटिंग लग रही है, तो सेम इसके अंदर हार्नेस यूज की जा रही है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रॉपर वो फंक्शनली काम करे। बाकी इसके अंदर ना सबसे अच्छी बात है, इस बार कंपनी ने इस तरीके का स्विच दिया हुआ है एक्स्ट्रा, जिसके साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको इधर उधर कहीं भी वायर जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे एक अलग से सॉकेट दे दिया, उसमें ज्वाइंट करो और पूरे मजे लो अपनी बाकी एसेसरीज के। इनकेस अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पे फ्यूज है वो उड़ जाएगा, और उसकी फिर हम लोग चेंज करा सकते हैं। तो सामने से लगभग हम लोग कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, कि नीचे ना हमारी दो बड़ी लाइटें आ जाएंगी, जो मैड डॉग अल्फा है, और उसके बाद हमारी दो लाइटें ऊपर आएंगी L9X HJJ की। तो वो पूरा हमारा एक पैकेज हो जाएगा रोड पर चलने के लिए, क्योंकि अभी आपने लास्ट सीरीज देखी, उसके अंदर ये तो काम कर ही नहीं रही थी, लेकिन इनके थ्रू हम लोग रोड पर अच्छे से मैनेज कर लेंगे। देख रहे हो हालत देख रहे हो कैसी हो रही है, ये देखो मेहनत की कमाई पे देख रहे हो कैसे धूल मिट्टी लग रही है यार, और ऊपर से जी और ज्यादा खराब हो रहा है इसे देख के। बट क्या कर सकते हैं, कि हमारे बाहर अभी नया रोड डला है, तो वहां से इतनी डस्ट उड़ती है,
कि एक दो दिन के अंदर ना क्लीन ना करो तो इससे और ज़्यादा बदतर हालत हो जाती है। चलो क्या कर सकते हैं, अभी इसको क्लीन कर लेंगे। फिलहाल अभी मैं काम कर रहा हूँ इसके पीछे किचन सेटअप पे और जितना भी लगेज हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखो गुड्डा के खिलौने भी पड़े हुए हैं। मतलब पूजा कमाल करती है यार, इसुजू के अंदर गुड्डा के खिलौने कर क्या रहे हैं। तो मैं अभी ना किचन वगैरह सारा क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है। जितना भी हमारा ग्रॉसरी वगैरह था कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है ताकि इसको रिफ्रेश कर सकूँ। तो अरे भाई साहब कितना गोरा आ रहा हूँ, गोरा हो गया तुम्हारा भाई, टैनिंग उतर गई। अरे लाइट ज़्यादा आ रही, थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। अब ठीक है। तो भैया हम लोग कल रात को वापस आ गए थे राजू भैया की शॉप से मॉडिफिकेशन करा के, ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया है। लेकिन ना एक दो छोटी छोटी से पॉइंट है जो मुझे उसके अंदर ना मतलब तो जो हुए हैं उसमें थोड़े से हल्के फुल्के चेंजेस करने हैं, तो देखता हूँ आज कर लूँगा या फिर ट्रिप जब भी कोई भी अगर ट्रिप बनता है तो मैं उससे पहले कर लूँगा। तो अभी मैं कर रहा हूँ अपनी इसुजू को फ्रेश, जैसे अपनी बेबी जी ऐसे रेडी हो गई है, बाइक रेडी हो गई है, ऐसे अपनी कैंपर वैन भी इसको रेडी कर लेते हैं। तो किचन का काम तो मैंने सारा निकाल के फेंक दिया घर की किचन में, क्लीन करने के लिए और उसको रिफिल करने के लिए जितने भी हमारे इन्ग्रीडियंट्स हैं ताकि उनको दोबारा से मैं रख दूँ रिफ्रेश करके और फिर जहाँ भी मन हो लेके निकल जाऊँ। लेकिन उससे पहले अपने को लगानी थी ओसी से जो कारप्ले सिस्टम आया था वो लगवाना था, तो मैं अभी वही डिसाइड कर रहा हूँ कि उसको कहाँ इंस्टॉल करूँ, यहाँ लगाऊँ इधर लगाऊँ। इधर तो लगा नहीं सकता सामने की तरफ क्योंकि ड्राइव करते टाइम ना इसकी ब्राइटनेस मेरी आँखों पर पड़ेगी तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन रहेगा, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए ये प्लेस है या फिर उधर कॉर्नर पर शीशे पर कहीं हैंग करूँ, बट स्क्रीन का साइज़ बहुत बड़ा है तो इसको मेरे को यहीं लगाना पड़ेगा और जो हमारे कान्हा जी हैं इनका प्लेसमेंट मुझे सामने आँखों के सामने करना पड़ेगा। बाकी अभी इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इसके अंदर हम लोग अटैच कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं जब एक बार इंस्टॉलेशन हो जाएगी फिर आपको दिखाऊँगा, बस एक बार इसकी प्लेसमेंट हो जाए बढ़िया जगह पर। तो लो जी हमारा यहाँ पे पूरा किचन का सेटअप रिफ्रेश हो गया है, मैंने सारे जितने भी डब्बे वगैरह थे सब क्लीन कर दिए हैं, कटलरीज अच्छे से गिन चुन के मैंने क्लीन कर दिए है, चम्मच हमेशा मिलती नहीं है तो इनको मैंने रबर बैंड से टाई कर दिया है, सारे इंग्रेडिएंट्स भी रिफ्रेश हो गए हैं और यहाँ पे हमारा ये सारा सेटअप क्लीन हो गया है। मतलब अब हमारा किचन का काम खत्म हो गया है कैंपर वैन के अंदर, बस पीछे से ये सामान एडजस्ट करना रह गया, ये मैं आज पूरा नीट एंड क्लीन करके एडजस्ट कर दूंगा, बस बाहर से रह गया क्लीन करना। बाकी हमारा जो अंदर का स्क्रीन का सेटअप था वो मैंने लगा दिया है, यहाँ पे लगाया कैमरा ताकि मेरे को ये आगे का टायर दिख सके और उधर लग गई है स्क्रीन। तो स्क्रीन का कैसा फंक्शन है कैसे इंस्टॉल हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा इससे अगले व्लॉग में। लेकिन यहाँ पे हमारी बेबी जीएसए भी रेडी हो गई है प्रॉपर तरीके से, मतलब फुल लोड कर दिया है मैंने, सारा सामान रेडी है निकलने के लिए। यहाँ पे हमारा जीपीएस भी लग गया है और नीचे की तरफ ना लाइटें भी इंस्टॉल हो गई है यहाँ पे और मैंने जेरिकेंस भी लगा दिया है और दो लाइटें हमारी लगी है यहाँ पे। तो हमारी बेबी जीएसए भी रेडी और वो आज पूरी रेडी हो जाएगी निकलने के लिए रोड ट्रिप पर। तो अब हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, सोलो जाना है ग्रुप में जाना है ये बताएंगे आप। तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जिसका भी ज्यादा कॉमेंट होगा इसुजू का कैंपर वैन का या अपनी बेबी जीएसए का, जिसकी भी ज़्यादा मेजोरिटी होगी अपन निकलेंगे अगले रोड ट्रिप पर उस पर। ऐसा नहीं कि मेरे को और टाइम ले गया, दोनों देखो रेडी है, बस आप लोगों के मेरे को कमेंट का इंतज़ार है। तो जब तक आपके कमेंट डिसाइड करें कि मुझे जाना किस पे और करना कौन सा एडवेंचर है तब तक मैं करता हूँ इसुजू को रेडी, क्योंकि जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी होगी अपन निकलेंगे उस वाले रोड ट्रिप पर। तो कॉमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिन्होंने नहीं किया है इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो, क्योंकि अगला रोड ट्रिप हम लोग मिलेंगे सीधा रोड पे जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी उस वाले व्हीकल के साथ। टिल देन गुड बाय।